हाय फ्रेंड्स, मैं प्रिया नामदेव अपने यूट्यूब चैनल प्रियास किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको वेज कटलेट बनाना सिखाऊंगी। मेरी वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। मैंने 6 ब्रेड ली हुई है, मैंने व्हाइट ब्रेड ली हुई है, अगर आप चाहें तो ब्राउन ब्रेड का भी यूज कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, 4 चम्मच मैदा, 2 गाजर जिसे मैंने किसा हुआ है, 2 शिमला मिर्ची जिसे मैंने छोटा छोटा काट कर रखा हुआ है, 2 बड़े आलू जिसे मैंने बॉईल करके रखा हुआ है, 2 इंच अदरक जिसे मैंने किस के रखा हुआ है, और 2 से 3 हरी मिर्ची जिसे मैंने छोटा छोटा काट कर रखा हुआ है, हरी धनिया जिसे मैंने काट कर रखा हुआ है। अब हम मसाले देख लेते हैं। 1 बड़ी चम्मच धने, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। इसमें हम 1/2 कप पानी का यूज करेंगे। सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और जो ये हमने मैदा लिया हुआ है ये हम एक बाउल में डाल देंगे। मैदे का हम पतला घोल तैयार कर लेंगे पानी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख लें, अगर आपका पेस्ट गाढ़ा है तो आप इसमें और पानी ऐड कर लें, और आपको इसे जब तक घोलना है जब तक इसकी जो ये बॉल्स आ रही हैं ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। इसमें कोई भी बॉल्स नहीं उठने चाहिए। इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसे मैंने अच्छा पतला अच्छा पेट लिया है, देख सकते हैं आप। अब इसे साइड में रख देते हैं और अब हम ब्रेड लेंगे, इसे हमें ग्राइंड करना है। हम मिक्सी का जार लेंगे और इसे इन ब्रेडों को तोड़कर इसमें ग्राइंड कर लेंगे। आप देख सकते हैं ब्रेड को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। अब हम एक प्लेट में इसे निकाल लेंगे और जो हमने मैदा का पेस्ट तैयार किया था इसमें हम 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल देंगे। मैंने काली मिर्च डाल दी है, अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसे साइड में रख लेंगे और एक और अलग से बाउल लेंगे। बॉईल किया हुआ आलू जिसे हमें अच्छे से मैश करना है इस तरह से। अब हम इसमें कसा हुआ गाजर, शिमला मिर्च, हरी मिर्ची और अदरक पिसा हुआ, हरी धनिया, इन सभी को डालकर अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप देख सकते हैं इस वेजिटेबल्स को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है। इसमें मैंने गाजर और शिमला मिर्ची ली हुई है, अगर आप चाहें तो और भी वेजिटेबल्स का यूज कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी या फूल गोभी का यूज कर सकते हैं। जो हमने ब्रेड को ग्राइंड किया हुआ था 1/2 हम इसमें ब्रेड डाल देंगे और 1/2 ब्रेड हम बचा लेंगे ना, हम ब्रेड डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच धने, 1/2 चम्मच लाल मिर्च, गरम मसाला 1/2 चम्मच, 1/2 चम्मच अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये हमारा कटलेट का मिक्सचर बनकर तैयार है। अब जो हमने मैदा का घोल तैयार किया था उसे हम लेंगे और इसमें हम आधी चम्मच नमक डालकर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वेजिटेबल का उसको लेंगे और इसकी बॉल्स बना लेंगे। कटलेट बनाने से पहले हम हाथ में थोड़ा ऑयल लगा लेंगे। अब हम थोड़ा सा जो मिक्सचर हमने तैयार किया है उसकी एक बॉल्स लेंगे इस तरह से, और इसे आप जो भी शेप देना चाहें, गोल या ओवल, आप उसे अपने हिसाब से दे सकते हैं। मैंने इनका शेप गोल रखा हुआ है। इसी तरह से हम और भी कटलेट बना लेंगे तरह से।
तरह से और भी हम कटलेट बना लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे कटलेट बन चुके हैं। अब जो हमने मैदा का घोल तैयार किया था इसमें हम कटलेट को डिप करेंगे और जो हमने आधी ब्रेड का चूरा हमने बचा के रखा हुआ है ये हम उसके ऊपर से लगाएंगे। सबसे पहले हम एक कटलेट लेंगे, इसे हम मैदा के घोल में डिप करेंगे इस तरह से और अब हम इसके ऊपर ब्रेड जो बचाई हुई है हमने ये हम इस तरह से लगा देंगे। इस तरह से हम इन सभी कटलेट के ऊपर कर लेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से कटलेट बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डीप फ्राई कर देंगे। अगर आप ज़्यादा तेल खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं। मैंने इसे डीप फ्राई किया हुआ है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उस लेंगे तेल गरम हो चुका है। अब हम इसमें एक एक करके अपने जो कटलेट बनकर तैयार हैं इसे हम डीप फ्राई कर देंगे। एक बार में कम से कम हम 4 कटलेट डालकर फ्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यह हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट देंगे इस तरह से। आप देख सकते हैं यह हल्के ब्राउन हो चुके हैं, हमारे कटलेट पक चुके हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे। इसे हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे वेज कटलेट बनकर तैयार हैं। मैंने इसे सॉस के साथ सर्व किया है। अगर आप चाहें तो ग्रीन चटनी या कोई भी चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। अगर आपको वेज कटलेट की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे घर पर जरूर ट्राई करें। यह बहुत ही आसान है और बहुत ही प्रोटीन है इसमें। अब मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।